भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन चल रहे हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पेयजल संकट गहरा गया है। संस्थान में पिछले कई दिनों से नियमित पेयजल आपूर्ति न होने से संस्थान में शिक्षा हासिल कर रहे बीटेक, एमटेक, एमफिल, एमबीए समेत अन्य स्नातकोत्तर कक्षाओं के 3000 से अधिक प्रशिक्षु विद्यार्थियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन चल रहे हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पेयजल संकट गहरा गया है। संस्थान में पिछले कई दिनों से नियमित पेयजल आपूर्ति न होने से संस्थान में शिक्षा हासिल कर रहे बीटेक, एमटेक, एमफिल, एमबीए समेत अन्य स्नातकोत्तर कक्षाओं के 3000 से अधिक प्रशिक्षु विद्यार्थियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं बाजार से बोतल बंद पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जबकि नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी न मिलने से हॉस्टल के भीतर का माहौल बहुत खराब है। एनआईटी हमीरपुर में दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल समेत देश भर से बच्चे शिक्षा हासिल करने आते हैं। एनआईटी को आईपीएच विभाग पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाता है। इसके बदले में एनआईटी संस्थान प्रदेश के आईपीएच विभाग को भुगतान करता है। एनआईटी और हमीरपुर शहर को उपमंडल सुजानपुर स्थित ब्यास नदी की दो पेयजल स्कीमों लोंगणी और बीड बगेड़ा से पेयजल आपूर्ति होती है, लेकिन ब्यास नदी में बरसात के मौसम में सिल्ट आने और बिजली आपूर्ति के बाधित रहने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। इसके साथ ही गत दिवस बड़बड़दार पेयजल टैंकों की मेन पाइपलाइन में रिसाव के चलते भी एनआईटी की पेयजल आपूर्ति बाधित रही। उधर आईपीएच विभाग हमीरपुर के एसडीओ राकेश गर्ग ने कहा कि गत दिवस पेयजल लाइन में लीकेज की वजह से आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति बाधित रही थी, जबकि उपमंडल सुजानपुर में बिजली आपूर्ति गुल रहने से पेयजल की सप्लाई बाधित हुई है। बिजली न होने से नदी से पानी की लिफ्टिंग नहीं हो रही। एनआईटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुशील चौहान का कहना है कि आईपीएच विभाग की तरफ से गत दिवस पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। संस्थान की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया है, लेकिन संस्थान में सबमर्सिबल हैडपंप है जिनसे पेयजल आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा गंभीर समस्या पर पेयजल टैंकर भी मंगवाए जाते हैं। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।